बहुत समय पहले की बात है कि वो अपनी पत्नी को लेकर के पैदल जा रहे थे, रास्ते में प्यास लगी तो जोर से कुएं से पानी भरने के लिए बाल्टी से पानी खींचने के लिए तैयार हुए जंगल में, तो उन्होंने पानी को खींचने की कोशिश की, पत्नी ने धक्का मार करके उनको गिरा दिया और वो कुएं में गिर गए और पत्नी वहाँ से अपने पियर चली गई लौट के वापस। जब वहाँ से निकल के तैयार चिल्लाए वहाँ पे कि कोई मुझे बचाने वाला है, कोई यहाँ पे इस हिस्से में कुएं में पड़ा हुआ हूँ, घास पकड़ के खड़े हुए थे वहाँ पे दीवार से पैर लगा करके, गाँव के लोग देखा कौन है, भूत है प्रेत है, कैसे आदमी चिल्ला रहा है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं गिर गया हूँ कुएं में, उनको निकाला बाहर। और निकल के जब बाहर आए तो फिर दोबारा घर आने के बाद कुछ दिनों बाद फिर अपने ससुराल पहुँचते हैं बुलाने के लिए और पत्नी को लेकर के घर आए। लेकर के घर आने के बाद में समय बीतने के बाद उनके चार बच्चे हुए, चार बच्चों की शादी कर ली, उनके बच्चे हुए। वृद्धावस्था में उन्होंने वो पुरानी बातें याद करते हुए कहा कि बारी बार गम तो में ये मजे। अच्छा, गम के मजे हैं। हाँ, गम किया गम के मजे। हाँ, तो बहुओं को बात बुरी नहीं, में गिरे थे फिर भी वो ले आए तो वो दुख को सहन किया, सहन किया। जी जी जी। तो गम के मजे कहते हुए बहुओं को जब सुना तो ये बुरा लगा और उन्होंने अपने पतियों से ये कहा कि इससे तुम्हारा बाप तो बुढ़ा होकर के ऐसी ऐसी बात करता है, जब हम जाते हैं तब इन चीज़ों को कहता है ऐसे ऐसे के बारे में, गम तो मुझे मजे। तो इसका कारण क्या है, ये हम तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। तो बच्चों को बड़ा बुरा लगा, उन्होंने फिर टोकरे के दादा तुम जो इस तरीके से ऐसे बात करते हो, बहुओं की शिकायत है। फिर बेटा ठीक है, मेरी शिकायत अपनी माँ को बैठा लो, बहुओं को बैठा लो, तब मैं बताऊँ क्या स्थिति है। तो उन्होंने बताया कि बताओ कि जिस समय मैं बुलाने के लिए गया तुमने मुझे धक्का मार के कुएं में डाल दिया था और मैं बचा और कुछ दिनों बाद फिर तुमको बुला के लेके आया और यहाँ रहते हुए चार बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए, परिवार बड़ा हुआ, तो मुझे वो दिन बीते हुए याद आए। तो मैं जब ये कह रहा हूँ कि बारी बार गम तुम्हें ये मजे, मैं उस समय गम न करता, इनको न बुला के लाता, तो बेटा तुम कहाँ से होते, रिश्ते संबंध होता, तो इस चीज़ों को याद आए। इस तरीके से उन्होंने उनको समझाया, तब बात समझ में आई उनको। तो हमको ये चाहिए कि हमेशा इन चीज़ों को हम विश्वास करें और आगे बढ़ें तो इससे सुख मिलता है। सहन करने की क्षमता रखनी चाहिए, है ना। क्षमता से ही परिवार समाज आगे बढ़ता है और दुख को दुख न मान करके उसे हमेशा अच्छा ही मानना, अच्छा ही मानना चाहिए। और दूसरी बात है, हम बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे और लोगों तो ऐसे जब गांव में सामाजिक बंध स्थिति ये होती है, कभी कभार पढ़ने लिखने वाले आदमियों को सामाजिक ज्ञान नहीं हो पाता, अनपढ़ आदमी को सामाजिक ज्ञान होता है तो आदमी को समाज लेके चलता है, परिवार लेके चलता है, और कुछ लोग परिवार लेके नहीं चलते हैं तो वो अपना कुछ समाज में ये भी पोजिशन है कि आप पढ़े तो बहुत है लेकिन गुणे नहीं हो। गुणे का मतलब है गुण आपने ग्रहण नहीं किए। जी 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 जी। हाँ, तो गुणों को पढ़ाई के साथ साथ गुणों को भी ग्रहण करें जिससे हमारा जीवन अच्छा हो सके। तो ये पुरुष और महिलाएं हमारे देश के अगर परिवार को समझें तो शायद हमारा देश और अच्छा हो सकता है।